ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। महाराष्ट्र में एक बार फिर से शिवसेना और बीजेपी आमने सामने आ गई है और दोनों तरफ से जमकर बयानबाजी जारी है। सियासी बयानबाजी का दौर अब तल्ख हो चला है। पूर्व सहयोगी उद्धव ठाकरे की एक टिप्पणी से आहत भाजपा ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और शिवसेना प्रमुख पर जोरदार पलटवार किया है। भाजपा ने राजनीतिक सुविधा के लिए हिंदुत्व का इस्तेमाल करने का गंभीर आरोप लगाया है। केंद्रीय मंत्री राव साहेब पाटिल दानवे ने कहा कि क्या यह हिंदुत्व की पार्टी है। दरअसल रविवार को शिवसेना के एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा था कि शिवसेना ने सहयोगियों के रूप में भाजपा के साथ बिताए 25 साल बर्बाद थे। ठाकरे के बयान के बाद से भाजपा जमकर हमलावर हो गई है। सीएम उद्धव ठाकरे की इस टिप्पणी पर पलटवार करते हुए भाजपा नेता और पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि मैं उन्हें चुनौती देता हूं कि वे सोनिया गांधी, राहुल गांधी जिनके साथ वे बैठे हैं, उनसे बाला साहेब ठाकरे के लिए सिर्फ एक ट्वीट ही करा दे। आपने राम मंदिर आंदोलन के दौरान केवल भाषण ही दिए थे, हम ही थे जिन्हें गोलियां और लाठियों का सामना करना पड़ा। फडणवीस ने आगे कहा कि जिस प्रकार का भाषण मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने दिया है उससे लगता है कि कहीं ना कहीं वह आहत है और अपनी पार्टी के चौथे नंबर पर जाने से और उसका गुस्सा भाजपा पर निकाल रहे हैं। होना तो यह चाहिए था कि वह राज्य के सवालों और दिक्कतों पर बोलते। बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे पर निशाना साधते हुए कहा कि मैं उन्हें याद दिलाना चाहता हूं कि उनकी पार्टी का जन्म उस समय नहीं हुआ था जब मुंबई में मैं बीजेपी का पार्षद था, जब तक वे हमारे साथ थे नंबर एक या नंबर दो पार्टी हुआ करते थे, लेकिन अब नंबर चार पर है। देवेंद्र फडणवीस के अलावा केंद्रीय मंत्री राव साहेब पाटिल दानवे ने भी शिवसेना पर हमला बोला है। दानवे ने कहा कि डोंबिवली में प्रचार भाषणों के दौरान शिवसेना ने सावरकर का हवाला दिया, क्या यह हिंदुत्व की पार्टी है। आज उद्धव ठाकरे बाला साहब के उपदेश के ठीक विपरीत व्यवहार कर रहे हैं, सत्ता के लालच में हिंदुत्व विरोधी पार्टियों में शामिल हुए। भाजपा नेता राम कदम ने ठाकरे पर निशाना साधते हुए कहा कि हिंदुत्व पर व्याख्यान देने से पहले सीएम उद्धव ठाकरे को आत्मनिरीक्षण करना चाहिए कि क्या शिवसेना दिवंगत बाल ठाकरे की विचारधारा का पालन कर रही है। वहीं बाला साहेब जिन्होंने कहा था कि राजनीति और जीवन में उनकी पार्टी कभी भी कांग्रेस में शामिल नहीं होगी और अगर ऐसी परिस्थितियां आती भी है तो वह कांग्रेस में शामिल होने की बजाय पार्टी को बंद करना पसंद करेंगे। वहीं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एवं शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने रविवार को भाजपा पर राजनीतिक सुविधा के अनुसार हिंदुत्व का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया था। ठाकरे ने कहा था कि उनकी पार्टी राज्य के बाहर अपना प्रसार करने का प्रस्ताव करेगी। ठाकरे ने कहा कि शिवसेना ने भाजपा के साथ गठबंधन में जो 25 साल निकाले वह बर्बाद चले गए। आपको बता दें कि शिवसेना 2019 के महाराष्ट्र चुनाव के बाद भाजपा से अलग हो चुकी है। राज्य में शिवसेना ने राकंपा एवं कांग्रेस के साथ मिलकर महाविकास आघाड़ी सरकार बनाई थी। इसके बाद से उद्धव लगातार अपने बयान बदल रहे हैं। कभी वो भाजपा के साथ आने के संकेत देते हैं तो कभी वो भाजपा पर मुखर हो जाते हैं। पॉलिटॉक्स ब्यूरो महाराष्ट्र। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।